बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमारा यहाँ पे जो हमारे ये आपको अगर ये दिखा दें, ये हमारे ये फार्मर बैठे हुए हैं, ये जो गंदम पैदा करते हैं, तो क्योंकि गंदम तो ये ऑलरेडी पैदा कर भी रहे हैं, इसको भी इन्होंने करनी है, लेकिन मोस्टली हमारा जो लोगों के साथ जो इंटरेक्शन होता है, लोगों के साथ जो हमारे फील्ड में जाके हमारी उनसे डिस्कशंस होती है, लोग मोस्टली ये गिला करते हैं जी कि वाइल्ड बोर जो है बारला वो बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, उसकी वजह से लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी हैं, उनको आबादकारी में वो मसाइल आ रहे हैं, बारला जो है वाइल्ड बोर जो है उनको डिस्टर्ब कर रहा है। तो इस सिलसिले में आज डिपार्टमेंट ने अपने जो ये तहसील धीरकोट के जो माशाल्लाह से जो अच्छे फार्मर हैं, अच्छे जो किसान हैं, जो हर तरह की जो सब्जियात हो गई, फसलात हो गई, वो सारी ये काश्त करते हैं, आज हमने इनको मधु किया है कि ये अपनी तरफ से अवाम इलाका जो किसान भाई हमारे खेतों को गैर आबाद करके बैठे हुए हैं सिर्फ इस जंगली सुअर की वजह से, तो हम इन्हीं से एक मैसेज हमने उन फार्मर को देना चाहते हैं कि ये वाइल्ड बोर जो है बारला को बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है, अगर हम उसमें काम करना चाहें, उसको हम रोकथाम करना चाहें, अगर ना करना चाहें तो वाकई ये बहुत बड़ा मसला है। तो मैं अपने ये जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं इन्हीं में से इनके व्यूज लूंगा कि ये अवाम में जो हमारी तहसील दिखो के जो हमारे फार्मर हैं उनको ये मैसेज दें कि ये जो वाइल्ड बोर है ये को बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है, केपीके में भी वाइल्ड बोर मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है, सिंध में भी मौजूद है, और हम वहाँ की फसलें ऑन पेमेंट ले रहे हैं, तो क्यों ना हम ये इसको कंट्रोल करते हुए, इसको तदारक करते हुए हम अपनी ज़मीनों को आबाद करें और हम दोबारा से जो हमारे आबाऊ अजदाद ये जो ज़राअत करते आए हैं उसको हम आगे से आगे लेके चलें। तो शरद भाई साहब क्योंकि हमारे अच्छे फार्मर हैं, वहीद साहब हैं, सारे माशाल्लाह बड़े अच्छे फार्मर हैं, लैंड होल्डर हैं, उनका ज़मीनें भी मौजूद हैं, ये काम कर भी रहे हैं और आगे इसको बेहतर अंदाज में करना चाहते हैं। बिहार साहब ये जो हमारे जो बंदे बैठे हुए हैं, बाकी चोई साहब बैठे हुए हैं, अबाई साहब बैठे हुए हैं, ये अगर अपना कोई मैसेज देना चाहे आवाम को ये रखिए, ये बारला काबिल तदारक है या नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट आपके साथ हम वक्त मौजूद है, किसी तरह भी कोई आपको टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए किसी भी लिहाज से, सब्जियात हों, फसलात हों, बागात हों, डिपार्टमेंट आपके साथ हर वक्त मौजूद है, हमारे राबते नंबर हमारे सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, तो राबता करें, इंशाल्लाह आप कभी हमें पीछे नहीं पाएंगे। भाई साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं जनाब अली साहब असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर साहब और उनकी टीम का जिनकी अथागारी से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का दिन उन्होंने हमारे लिए फार्मर के लिए वक्फ किया और हमें रहनमाई की जंगली सुअर के हवाले से। जनाब एडी साहब बात यह है कि जिस तरह आपने कहा इसका इनका जंगली सुअर का तदारुक कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, अगर हम दिलचस्पी लेंगे इसमें मेहनत करेंगे तो इसका तदारुक हो सकता है। मैं भी एक कमेटी से मेरा ताल्लुक है, बिशारत अब्बासी मेरा नाम है, मैं भी एक फार्मर हूँ, वो ज़्यादा उसमें बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको इलम है काम जो हम करते हैं फील्ड में काम खुद बोलते हैं। तो बाकी जो आपने हमारी रहनमाई की, हमें ये बताया जो मेडिसिन और बाकी जो तरीक़ेकार आपने हमें बताया, इस पर हम इंशाल्लाह अमल करेंगे और अपने दूसरे भाइयों को जो इस मीटिंग में नहीं शामिल हो सके उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो आपके पास आएँ, हमारे पास आएँ, हम उनको ये तरकीब बताएँगे, ये तरीक़ेकार बताएँगे और वो इससे को इस तरीक़ेकार को इस्तेमाल करें और जंगली सुअर को ख़त्म करें, तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, बहुत वो जो फसल उगाएंगे वो भी उनको हासिल होगी। तो मुझे यकीन है कि सुनने वाले और देखने वाले इस पर अमल करेंगे और आपसे भी रब्ता करेंगे और हमसे भी रब्ता करेंगे। बमा अलैना इल्ला बलाग। जी जो साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिलखुसूस रहदी नदीम साहब, बिरादर खालिद साहब, पूरे निगरान में मेरे पास वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया के मुझे प्रशासन वर्षा की, बिलखुसूस मैं अवाम इलाका सेरी बॉन्डी सुहाशी तासुब रिपोर्ट सब लोगों को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डिपार्टमेंट के साथ रबते में रहें, ये जो गेंद बाल हैं इनको रोकने का कोई मुश्किल नहीं है, ये इनसे जब आप रबता करेंगे मेडिसिन मिलेगी, अभी मैंने इनसे रिपोर्ट दिया तो इंशाल्लाह आगे भी हमारी जो फसल है गंदम या मकई हम अगर अपनी अच्छी तरीके से इसको उगाएंगे, इसकी सेफ्टी करेंगे तो इंशाल्लाह सब कमेटी मिलकर अगर इसकी सेफ्टी करके नेक्स्ट हमें किसी चीज़ की खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे पहले मैं असिस्टेंट डायरेक्टर साहब और पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें दवाई के मुतालिक बालों के मुतालिक कि हमें बताया कि इनका निचोड़ जो है इस तरह है, और
बाकी दोस्तों ने भी बात की है जैसे, और सबसे पहले मैं जो हमारे मोहल्ले वार्ड गुड़ीकेर से जो लोग काश्त नहीं करते, जो लोग सब्जियां नहीं लगाते इन बारलों की वजह से, उनको ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, उनको ये मैं कहना चाहता हूँ कि आएं इनका निचोड़ और हल। बाकी ये असिस्टेंट डायरेक्टर और इनकी पूरी टीम हमारे साथ है और हल निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले असिस्टेंट डायरेक्टर जिनकोट और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस मुख्तसर सी काल में हमें यहाँ बुलाया ये जंगली सुअर के हवाले से। तो मैं अपने दोस्तों से, काश्तकार भाइयों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये बाला कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि आप महकमे से रुजू करें और महकमे का तावन हासिल करें, इनके पास अच्छी दवाई क्या नाम है इसका, हाँ टैमिक दवाई है, और इसके इनका इनके पास एक अच्छा प्लान भी मौजूद है। आप इनसे भरपूर रहनुमाई हासिल करें, इंशाल्लाह बारले का वजूद यहाँ से आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। तमाम काश्तकार दोस्तों से मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस मामले में महकमे का तावन हासिल करें।